क्या आप ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा लेना चाहते हैं और सारी पेमेंट आफ्टर वीजा देना चाहते हैं, जहाँ रहना खाना पीना सब फ्री, और इवन कि आप डरते हैं आपको जॉब अप्लाई करना नहीं आता, और इवन ये भी डर लगता है कि अगर हमें एक साल ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा मिल गया उसके बाद अगर हम एक्सटेंड नहीं कर पाए तो सारे लाखों रुपये डूब जाएंगे। आज मैं लेकर आपकी हाई डिमांड पर ऑस्ट्रेलिया का वो वर्क वीजा जहाँ पर आपको सीधे डायरेक्टली पीआर मिलेगी, और इसके लिए आपको 65 पॉइंट स्कोर करने हैं, और मेन पॉइंट इसमें एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इंग्लिश टेस्ट, जो कि बहुत ही आसान वर्क वीज़ा है। पर ये वीज़ा खुला उन्हीं गरीब माँ के बच्चों के लिए जिनको जॉब अप्लाई करना नहीं आता है और जिनके पास भी खास फंड्स नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं आप कैसे स्टेले का सब क्लास 189 वीज़ा अप्लाई कर अपने गरीब माँ सपना पूरा कर सकते हैं। पर जो आदमी वीडियो को लाइक कमेंट करेगा उसको मिली थी गुलशन कुमार सर मैकबुक एयर दिया था मैंने 22 फरवरी को। अब देने जा रहा हूँ 4 एयरलाइन के वाउचर्स जब आप मेरे साथ चलोगे यूरोप में, फिनलैंड और लग्जमबर्ग। चलिए वेलकम करते हैं आपको मेरे शॉप पर। तो गाइज आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, स्किप मत कीजिए। मेरा नाम गैरी, मैं यूके में 19 साल से रहा और खुद का पैसा देशों में जाता हूँ, तो यही मेरी चैनल की सबसे खास खासियत है। आज मैं दिखाऊंगा आपको व्हाट इज द सब क्लास 189, हाउ यू कैन स्कोर 65 पॉइंट्स, व्हाट इज द वीजा कॉस्ट एंड टाइम ड्यूरेशन, कैन योर वाइफ एंड चिल्ड्रन कैन कम विद यू, हाउ यू कैन फाइंड ए स्पॉन्सर योर सेल्फ, वॉट आर द ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट फॉर दिस वन, वॉट आर द टॉप 10 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हु कैन गिव यू फ्री वीजा, फूड एंड अकोमोडेशन, what are the top 10 job sites and what are top 10 construction company, hotel industry, caretaker homes, security guards, hotels, जो आपको जो sponsor करेंगे ऑस्ट्रेलिया में बगैर एजेंट के। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो। जो सब क्लास 189 है उसकी जो एक लिस्ट है सबसे दिखाना चाहेंगे आपको है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मेरे बच्चे बहुत ही मासूम हैं, गरीब घर से है, जिसमें मैंने कारपेंटर को डाला है और सर्च किया आपके सामने नीचे आ रहा है कि ये 189 में ये पॉइंट बेस्ड है। मतलब कारपेंटर को पीआर मिल सकती है 189 पॉइंट में अगर वो 65 पॉइंट स्कोर करता है, बिकॉज उसकी जो स्किल है वो शॉर्टेज में आती है। अगर मैं रूफ की डालता हूँ, एक रूफ जो लड़के लेबर कहते हैं रूफ प्लम्बर की भी 189 में आ चुकी है। तो सोच क्या रहे हैं, रूफ की भी आ गई, अब आप डाल सकते हैं इलेक्ट्रिशियन। मेरे बच्चे इलेक्ट्रिशियंस की भी देखो आ गई 189। मतलब कि जो सारे मेरे बच्चे हैं जिनकी हाई डिमांड जॉब्स कौन कौन सी हैं, मैं रिपीट करना चाहूँगा बहुत जल्दी। नर्सेज एंड केयर गिवर, जो कि लोग लुक आफ्टर करते ओल्ड कपल्स की, यहाँ पर जो ओल्ड फैमिली को, आपकी एवरेज 2 से 3 लाख होगी। फैक्ट्रीज एंड हेल्पर जॉब्स की मैं रिपीट नहीं करूँगा। सिक्योरिटी गार्ड, जिसमें बाउंसर्स आते हैं फैक्ट्रीज में, CNC ऑपरेटर आते हैं, पिकर पैकर आते हैं। होटल जॉब्स में आपकी जैसे लॉन्ड्री आ गए, शेफ, कॉमी शेफ 1, 2, 3, रेस्टोरेंट मैनेजर, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, ड्राइवर्स में ड्रिंक ड्राइवर आते हैं, पैकेजिंग में, सुपर मार्केट में कैशियर की आती है, वेयर हाउस में जिसमें क्लीनर की, हाउसकीपिंग अटेंडेंट की, IT जॉब्स जैसे गेमिंग डेवलपर, टेस्टर, कंस्ट्रक्शन में कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, रूफ कंस्ट्रक्शन लेबर, इंजीनियर्स आते हैं, और मिसलेनियस जॉब में जैसे पेडिकर मेडिकल आता है, मसाज थेरेपिस्ट आता है, और ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जिनकी हाई डिमांड जॉब है और आप एवरेज सारी 2 से 3 लाख होती है। पर आपने चेक करना है कि स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट 189 में उनका नाम है कि नहीं। अगर है तब आप एलिजिबल हो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 65 पॉइंट स्कोर है, इसकी जो कॉस्ट है 4640 होती है, और जो प्रोसेस टाइम विद इन 4 वीक्स लगकर आ जाता है। और इसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि आप ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट में जो मैंने चेक करना दिखाया है, आप 65 पॉइंट स्कोर कैसे वो दिखाता हूँ, फिर उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फिर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से इंप्रेशन आता है, फिर बाकी डॉक्यूमेंट लेकर 60 डेज में आप वीजा अप्लाई करो दिल्ली में। मतलब कि आपको शो करा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाया भी जाएगा। पॉइंट वेज के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल से कम है आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है तो आप 0 स्कोर करोगे, 8 साल से ऊपर है 15, 5 से 7 10, 3 से 5 5, अगर ऑस्ट्रेलिया में काम करें स्टूडेंट वीजा पर आपने 1 साल कम किया 0, 1 से 3 5, 3 से 5 10, 5 से 8 15, और 8 से ऊपर 20। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के वर्क अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको मैक्सिमम 20 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, पर उसके लिए एक्सपीरियंस 8 साल चाहिए ज़्यादा। अगर आप दुबई इंडिया में काम करते हैं तो अगर आप एक्सपीरियंस 5 से 7 साल का है तो आप 10 पॉइंट स्कोर कर सकते हो। एजुकेशन, अगर डिप्लोमा है आपके पास तो 10 पॉइंट, बैचलर डिग्री BA है 15, PhD है तो 20। मतलब कि अगर डिप्लोमा लड़का है 10 पॉइंट स्कोर कर सकता है। इंग्लिश में अगर बेसिक इंग्लिश है 0, अगर मीडियम इंग्लिश है 10, अगर स्पीड इंग्लिश है तो 20 पॉइंट स्कोर कर सकते। एज 18 से 25 25 पॉइंट, 25 से 33 30, 30 से 40 25, 40 से 45 15। मतलब कि 30 पॉइंट सीधे स्कोर कर जाओगे। अगर आप सिंगल हो तो 10 पॉइंट स्कोर कर जाओगे। अगर पार्टनर है, अगर वो भी अंडर 45 है, उसको बेसिक इंग्लिश आती है, वो भी 10 पॉइंट। मतलब कि सिंगल लड़का कोई दुबई में काम करा एज ए लगा लो प्लम्बर का, तो वो करेगा, उसकी 33 साल है तो 30 कर जाएगा, 10 सिंगल है 40, 45 यही हो गए। अगर उसमें डिप्लोमा है तो 40, तो डिप्लोमे में कितने कर गया 40 और 10, डिप्लोमे में कितने कर गया वो 50, ठीक है। और एक्सपीरियंस में अगर उसे 5 एक्सपीरियंस है तो वो कर जाएगा
50 से 15 पॉइंट स्कोर बड़े ईजिली कर सकता है। अगर बेसिक इंग्लिश भी करोगे उसके भी 10 पॉइंट। गाइज आप सोच के आ रहे आप इस तरह 65 पॉइंट स्कोर करोगे। अगर आपको कोई भी हेल्प लेनी है आप गवर्नमेंट की स्टडी वेबसाइट जा सकते हो। एलिजिबिलिटी में उन्होंने बताया कि आपके पास आपकी एज 45 के नीचे होनी चाहिए, आपने 60.5 स्कोर करने चाहिए। पॉइंट कैलकुलेटर इनका खुद का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी पॉइंट कैलकुलेटर दोस्तों है, आप उस पर भी जा सकते हैं। अगर कल कैलकुलेट आपने करने हैं तो इनका पॉइंट आप 189 को ऐसे स्किल को क्लिक करोगे। आप ऐसे एज है आपकी कितनी है 25 से 33 साल है ना। इंग्लिश मान लेते हैं आपकी प्रोफेशन इंग्लिश है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सपीरियंस आपको मान लेते हैं 5 साल का है ना। तो आप इस तरह आगे जाकर इसको क्लेम कर सकते हैं और पॉइंट जैसे कैसे क्लेम करना है। तो गाइस चलिए चलते हैं आप आगे, ऐसे ही आप आगे जाकर इसके पॉइंट चेक कर सकते हो। ये ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन कैलकुलेटर है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, मेरे व्हाट्सएप पर आप आकर मुझसे बात भी कर सकते हो। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर ये भी चाहूँ कि आप स्पॉन्सर भी कैसे ढूंढ सकते हो, पर उससे पहले आपको 10 कूपन एजेंसी दिखाई जा रही जो आपको हेल्प करती है। उस पर हेज माइकल पेज इनके प्लीज करियर पेज पर जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए। आपको 10 जॉब साइट्स दिखाई दी ऑस्ट्रेलिया की जहाँ पर अगर आपको जॉब मिल जाती है 482 सब क्लास है जहाँ पर टेम्प्रेरी वर्क वीजा, वहाँ पर आप 300 PR डाल सकते हो। तो इन जॉब साइट पर जाइए। अगर सीवी बनवाना है मैं खुद अप्लाई करके देता हूँ और मेरे सीवी से इतने लोगों को आपको स्क्रीन पर जॉब मिल गई है, इसके लिए मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे इंस्टाग्राम गैरी बैकर आना पड़ेगा। पर गाइस आपको अगर 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए इसके लिए पर्थ नाम की एक सिटी है, स्टेट है, वहाँ पर आपको यहाँ की गवर्नमेंट 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे रही है। तो उसके लिए टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी दिखाई जा रही और इवन की कंस्ट्रक्शन हेल्पर की आपको जॉब रिस्पॉन्स दिखाई जा रही और इवन प्लम्बर की भी दिखाई जा रही। इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको 10 होटल दिखाई जा रही ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप के हैं उनके करियर पेज पर जाकर आप वेटर की या रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्स स्क्रीन पर दिखाई जा रही कॉपी कर सकते हैं। आपको भी फूड इंडस्ट्री की 10 ऐप्स दिखाई जा रही जहाँ डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। आपको 5 टॉप सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज दिखाई जा रही जिनके करियर पे जाकर आप जो अप्लाई एज सिक्योरिटी गार्ड या डोरमैन बाउंसर की जो अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा बहुत ही जल्दी वो कंपनी का नाम है, वो है DHL जिसको आपको पता है DHL बहुत बड़ी कोरियर कंपनी है जहाँ उन्होंने क्लिक किया था उनके ऑस्ट्रेलियन करियर पेज पर जहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकली पड़ी है, जहाँ पर मैं आपको एक वैकेंसी कहूँगा जो है पैकर की जॉब। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी निकली पड़ी है, आप सुपरवाइजर की निकली पड़ी है, कस्टमर ऑपरेशंस की निकली पड़ी, कस्टमर की निकली पड़ी है, डिस्पैचर की, स्टोर पर्सन की है ना, स्टोर पर्सन की बहुत सारी वैकेंसी निकली पड़ी है। पैकर के लिए जॉब लोकेशन सेलेक्ट करोगे, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, इंडिया, ईमेल, सीवी को लोड करोगे और डाटा बेस ऐसे सबमिट करो और विद इन 2 वीक्स आपको ईमेल आ जाएगी आप सिलेक्टेड हो। ऐसे ही अपने स्टोर पर्सन में क्या होता है सोपर क्या करना होता है, ऑर्डर को पिक करना होता है, प्रोसेस करना होता है, इनबाउंड आउटबाउंड, आपको स्टॉक को प्रॉपरली फिल करना होता है, आपको मेक श्योर करना कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करते हो और आपको एरिया क्लीन करना है। इसमें आप दोस्तों अप्लाई नाउ क्लिक करोगे सेम ऐसे ही स्क्रीन खुलेगी जैसे स्क्रीन आपके सामने खुली थी इसकी खुली थी पैकर की, वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन वही आगे स्टोर पर्सन की, वही ईमेल, फोन नंबर, सीवी और कवर लेटर को लोड कर दोगे और आप ये जॉब अप्लाई कर दोगे। ये जॉब है DHL बहुत बड़ा कोरियर कंपनी जब पिक और पैक करके स्टोर पर्सन जॉब निकली पड़ी। गाइस कई वीडियो दिल को छू रहा है, एक सारे दोनों वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे सेकंड जन गैटी को फॉलो करो। यूके ने लॉटरी वर्क वीजा दे दिया और उसका रिजल्ट आ रहा है 27 फरवरी को जहाँ पर बच्चों ने खूब भरा था। आगे रिजल्ट फिर आएगा वीजा वर्क वीजा इसको लॉटरी वीजा जहाँ पर जॉब इंग्लिश टेस्ट और एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था और वो है यूके लॉटरी 2 साल ओपन वर्क परमिट जो जुलाई 2024 में फिर खुलेगा और 55,000 सीजन वर्क वीजा खुले, पर उसके लिए मेरे सेकंड गारंटी को फॉलो कर ले तो आपके हाथ से ईजी वर्क वीजा निकली जा रहे हैं। अब अगली कंपनी का नाम मैंने लिया है बर्गर किंग, जो बर्गर किंग होती है अब हंगरी जैक से बोलते हैं, वो वहाँ पर जॉब बहुत सारी निकली पड़ी जहाँ पर क्लिक किया क्रू मेंबर की जॉब, बच्चे क्रू मेंबर्स के हैं, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब भी निकली क्रू मेंबर की जॉब। आप जैसे ही क्रू मेंबर की जॉब पर क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने इस तरह वैकेंसीज आ जाएगी क्रू मेंबर की जॉब आपके सामने। आपने ऐसे अप्लाई नाउ क्लिक करना है, अपना ईमेल डालना है और आपने क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, आपने अकाउंट न्यू क्रिएट करना, ईमेल, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस डालोगे, अपना सीवी कॉल लेटर लोड कर दोगे और आप इस तरह जॉब अप्लाई कर दोगे। कोई भी हेल्प कहीं पर भी चाहिए आप ओनली 1 कॉल अवे। तो ये था सब क्लास 189 वर्क वीजा जहाँ पर आपको 65 पॉइंट स्कोर करने और बगैर एजेंट के आप चले जाओगे और इसकी सबसे खूबसूरती बात है सीधे आपको यहाँ पर PR मिलेगी और आपके 20 बच्चे आपके साथ फर्स्ट डे जाएंगे और इवन कि आप यहाँ पर स्टडी भी कर सकते हो। आगे जाकर आप इस पर कोई भी जॉब को चेंज कर सकते हो, एक तरह से ओपन वर्क परमिट होता है। तो वैसे अगर कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ कम टू माई व्हाट्सअप, वहाँ पर मैं आप गरीब माँ के बच्चों की हेल्प मात्र 1,000 रुपये में कर दूंगा। बट ऑन द मेन टाइम अब जहाँ रहें सदा खुश रहें।